डिनर में अंडा एग करी बनाने जा रहा हूँ, तो फाइनली अंडे लेके आ गया हूँ मार्केट से। अब आगे प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, गेट ओपन कर लिया जाए, चलते हैं। बर्तन भी धोना है, वो बर्तन धोने के बाद तभी तो बनाया जाएगा। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, मैं बर्तन धो लेता हूँ। बर्तन धो लूटे हैं, अब सब्जी काटने की तैयारी है। काट दिया जाए सब्जी, ठंडी में पड़ी, उसमें एग करी खाने में बहुत मजा आएगा। तो एग करी के लिए मैंने उसके सारे सामान तैयार कर लिए हैं। अंडा मिश्री कर दिया, मटर, टमाटर, धनिया, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन। कुकर भी कुक टॉप पर चढ़ा दिया है, अब टाइम है इस पर थोड़ा हीट हो जाए, थोड़ा फिर ऑयल डाला जाए। सरसों का तेल डाला क्योंकि सरसों के तेल में बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और ये सरसों का तेल है जो घर से लाया गया है, अब थोड़ा एक फ्राई कर लिया जाए। ये डाल दिया फ्राई होने के लिए, किसको नहीं किया जाएगा क्योंकि आधा टूट गया है। देख सकते हैं कैसे इसको फ्राई किया जा रहा है, अकेले हूँ इसलिए अकेले के लिए बन रहा है। डाला जाए इसमें थोड़ा तेज पत्ता, लाल मिर्ची, प्याज को सुनहरा लाल होने तक फ्राई करें ताकि इसका कच्चापन चला जाए और ग्रेवी काफी अच्छी बने। देखते हैं कैसी बनती है। प्याज हमारा सुनहरा ब्राउन हो चुका है, अब डाला जाएगा इसमें हल्दी। थोड़ा इसमें का इसमें मैंने मसाला मिक्स कर दिया है और शिमला मिर्च और मटर भी, टमाटर भी डाल दिया गया है। अभी थोड़ा पक गया है। गाइस अब कुकर बंद कर दिया, अब वेट करते हैं सीटी आने का।